आज मुंबई दो टाकी के पास बिलाल मस्जिद और दिल्ली जायका के सामने लकड़ा बाजार में लगी भीषण आग। मराठा मोर्चा में शामिल होने लाखों मराठा ट्रेन से पहुंचे मुंबई। हेमंत बिस्वा को भारत जोड़ो ने यात्रा का डर, कहा वर्षा गायकवाड़ ने। फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले दो लोगों को ट्रॉम्बे पुलिस ने किया गिरफ्तार। सऊदी अरब के शहर रियाद में क्या खुलेगा अल्कोहल स्टोर, खबर हुई तेज। बॉलीवुड भाईजान सलमान खान ने निभाया अपना वादा, कैंसर से रिकवर हुए 9 साल के बच्चे से की मुलाकात। जब तक मराठा आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा, सरकार से कहा मनोज जारंगे पाटिल ने। मीरा रोड में हुए विवाद पर मीडिया, पुलिस और नेता मिलकर बैठकर नॉर्मल सिचुएशन बना रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्स भी तैनात है। अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट डॉक्टर जहीर काजी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। डोटाकी के पास बिलाल मस्जिद के सामने लगी आग को बुझाने के लिए सुन्नी बिलाल मस्जिद ने भी की मदद। जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर 1 महीने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा, रात 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक। अज्ञात महिला की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की 6 घंटे में एक शख्स को गिरफ्तार किया अंटाफ्ट पुलिस ने। अलर्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को तमिलनाडु सरकार ने कोठी आमिर कम्युनल हारमोनी अवार्ड से नवाजा। मराठा कोटा प्रोटेस्ट लीडर मनोज आरंगे पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार को 1 दिन की डेडलाइन दी उनकी मांग पर सहमति देने के लिए। खिचड़ी स्कैम के आरोपी सूरज चौहान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 14 दिन की जेल हिरासत मिली। मुंबई पुलिस ने 3 मामलों में 4 लोगों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्लिप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। CSMT प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लोकल ट्रेन के पेंटोग्राम में छोटी सी आग लगी, 20 मिनट तक इक्विपमेंट ब्लॉक रहे। MLA जितेंद्र अवार्ड ने कहा जो पार्टी सीट जीतने की क्षमता रखता हो सिर्फ उन्हें ही चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने दिया जाए। 75th रिपब्लिक डे के मौके पर महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने मुंबई के वर्षा बंगलों में तिरंगा लहराकर रिपब्लिक डे मनाया। शिंदे सरकार के साथ जुड़ने की अफवाहों के बीच उद्धव ठाकरे ने शिवसेना UBT MLA रविंद्र वायकर से की मुलाकात। कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में विजिटर टाइम के समय ही क्लीनिंग क्यू। पवाई पुलिस ने 44 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट की किडनैपिंग में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सेंटेंस रो स्टेशन मास्टर और स्टाफ ने मनाया रिपब्लिक डे, रंगोली बनाकर दिया एकता का पैगाम। बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी के सपोर्ट में आए रैपर बादशाह, लोगों से वोट की अपील। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सोनू सूद और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने सोशल मीडिया पर 26 जनवरी रिपब्लिक डे को विश करते हुए पैगाम शेयर किया।